अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दुनिया में बसाया है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं, बल्कि इस ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महदूद रखा है। गिनती के चार दिन हैं, इंसान को दुनिया में रहना है, उसके बाद मौत आएगी और मौत के बाद आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सलाहियतें दी हैं, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, इसी तरह से उसको अमल करने की सलाहियत दी, बोलने की, चलने फिरने की, कामकाज करने की। इसके साथ साथ दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें पहले से बना के रखी हैं, जिसकी इंसान को ज़रूरत है। इंसान के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, और उसके लिबास का इंतज़ाम यहाँ पर है, उसके घर का इंतज़ाम यहाँ पर है। फिर इंसान की जीनत के लिए चीज़ें हैं, सोना, चांदी। फिर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सारी चीज़ें दी हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी की सहूलतें पैदा कर सकें, बना सकें। गाड़ी, मोटर और इसी तरह से टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के काम की हैं, ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए उसको मिली हैं। ये ख़ुद मकसद नहीं है, ये ख़ुद मकसद नहीं है, उसकी ज़िंदगी का गोल ये नहीं है। वो ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए ज़रिया हैं, ये मीन्स हैं उसके लिए। लेकिन इंसान की ग़लती ये है कि वो मकसद तक पहुँचाने वाली गाड़ी ही को मकसद और मंजिल समझ लेता है। इंसान की नाकामी की बुनियादी वजह यह है कि जो चीज़ उसको मकसद तक पहुंचा सकती है उसी चीज़ को मकसद समझ लेता है और मकसद को भूल जाता है, और यहीं से इंसान की नाकामी और बर्बादी शुरू होती है। क्योंकि ज़िंदगी के जो महदूद दिन हैं, जो वक्त उसको मिला है ज़िंदगी का, वो ख़त्म होता जा रहा है। एक एक करके दिन ज़िंदगी के ख़त्म होते जा रहे हैं, सांसें उसकी ख़त्म होती जा रही हैं और मौत करीब आती जा रही है, और उसके पास मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी का जो वक्त मिला है वो ख़त्म होता जा रहा है और कम 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 होता जा रहा है। अगर उसने तैयारी नहीं की, मरने के बाद वो ऐसी ज़िंदगी में डाल दिया जाएगा जहाँ कुछ कर नहीं सकता है, वहाँ कोशिश का मौका नहीं रहेगा, वहाँ बस इंसान को जो कुछ दुनिया में किया है उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर यहाँ अच्छा जिया वहाँ पर इनाम मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, और अगर यहाँ पर बुरा जिया वहाँ पर नाकामी और वहाँ पर ज़िल्लत और मुसीबत होगी। लिहाजा इंसान को दुनिया में इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी इम्तहान के लिए है, और जो कुछ उसके अतराफ में हैं ये सब का सब उसके इम्तहान के तौर पर हैं, हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। न वो ख़ुद बाकी रहेगा, न चीज़ें बाकी रहेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बहुत सख्त बात इस बारे में कही है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमल हयातु दुनिया इल्ला लअबुन वलहू, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तकून, और आखिरत का घर यानि जन्नत उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डरते रहे, बुराइयों से बचते रहें, गलत काम करने से बचते रहें, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अफला ताकिलून, तुम अकल से काम नहीं लेते। आप समझें